कल कहां हो गई थी क्लास? रेखा ब्लैक दी थी द्वारा पेट पे ब्लैक दी थी। अच्छा युवाओं का कल्चर पढ़ रहे थे, शुद्ध संवर्धन तकनीक अपन ने पढ़ी थी, उसकी एक रेखा प्लेट भी अपन ने पढ़ ली। हाँ पहली बार प्रादस
जिससे एक बटा दस एक अनुपात दस मिलो, एक अनुपात दस एक अनुपात दस माध्यम प्राप्त होता है, एक अनुपात दस माध्यम प्राप्त होता है। इस माध्यम से दूसरी प्रणाली में एक अनुपात सौ, एक अनुपात सौ प्राप्त होता है, एक अनुपात सौ प्राप्त होता है। तीसरी बार वाले टेस्ट में एक अनुपात सौ माध्यम से एक ml लेकर के तीसरी प्रणाली में मिलाते हैं तो कहां पर तीसरी बार वाले टेस्ट में एक अनुपात सौ वाली प्रणाली से एक ml लेकर के तीसरी प्रणाली में मिलाते हैं तो एक अनुपात सौ अनुपात वाले माध्यम एक हजार अनुपात वाले एक हजार अनुपात वाला माध्यम प्राप्त होता है। इसका डायग्राम बना लो, इसने प्रीपेड की सहायता से 1 ml इसमें लिया और 9 ml माध्यम तरल माध्यम है उसमें, तो 1:10 हो गया। अभी जीवाणु का अनुपात होगा 1:100, ये 9 तो वैसे था, इसमें से 1:1 लेंगे तो जीवाणु का संवर्धन कितना आया, सिर्फ 1।
जन प्लेट विधि द्वारा शुद्ध संवर्धन प्राप्त करना। ये डायग्राम बनाते हैं, बताते हैं, बना लिया। इस प्रकार अधिक तनुकृत माध्यम बनाकर पेटी प्लेट में ढाल देते हैं। जिससे तैयार किया गया समर्थन अत्यंत दूर दूर व स्पष्ट प्राप्त होता है। तैयार किया गया समर्थन अत्यंत दूर दूर वह स्पष्ट प्राप्त होता है। जिनके अध्ययन करने में या जिनका अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होती है इस विधि में पोषण का माध्यम अड़तालीस से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में एगार तरल अवस्था में बना रहता है और जीवाणु भी इस तापमान पर मृत नहीं होते हैं। अब हेडिंग लगाओ जीवाणुओं की वृद्धि हेतु माध्यम।
इसमें ये जो इंडिया में क्वेश्चन में क्या किया जो संवर्धन लेकर दीवानों का पहले कितना लिया एक एमएल लिया दीवानों का फिर वो कितने एमएल में डाला 9 ml ये दीवानों का क्या संवर्धन है यहाँ पे तो एक एमएल में डाला था अनुपात कितना होया 1:10 फिर यहाँ से फिर एक एमएल इसमें से लेगा तो इसमें दीवानों की मात्रा कितनी है सिर्फ 1% और इसमें कितनी है यानी ये तो 100% हो गया ना तो इसके मुकाबले हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1:100 इसमें कितनी मात्रा हो गई बहुत ही कम हो गई एक एमएल से और फिर इसमें से इसमें से फिर प्रादक्ष लिया थोड़ा सा पिपेट सहायक से फिर इसमें डाला तरल माध्यम में अगार में तो फिर इसमें कितना होगा 1000 तो ये क्या है बहुत ही ज्यादा तनुग्रत और इस तनुग्रत को फिर अपने इसमें ले लिया पैटेंट ले लिया जिससे जो जीवाणु की जो कॉलोनियां प्राप्त हुई वो दूर दूर प्राप्त हुई और स्पष्ट प्राप्त हुई अगर यहाँ से डायरेक्ट लेंगे तो वो पास पास प्राप्त होगी तो उन्हें देखने में आसानी नहीं होगी बस ये विधि क्या है सवर्ण प्लेट विधि का अब हेडिंग लगा जीवाणु की वृद्धि हेतु माध्यम हेडिंग लगा लो जीवाणु की वृद्धि हेतु माध्यम लगा लिए हेडिंग इसमें लिखो फर्स्ट लिखो सरल माध्यम सरल माध्यम ऐसा कैसे लग रहा है कि पढ़ने में जो आ रहा है किरण को हाँ लिखो अभी तो बहुत कम पढ़े एक भी दी तो ये लिखो इसमें सरल माध्यम पेप्टोन मांस सूप सोडियम क्लोराइड वह जल से बना होता है वह जल से बना होता है जो सरल माध्यम होता है वो किससे पेप्टोन से मांस सूप सोडियम क्लोराइड वह जल से बना होता है जिसमें लगभग 2% है 2% एगार मिलाया जाता है जिसमें लगभग 2% एगार मिलाया जाता है और प्रयोगशाला में अधिकतर यही माध्यम काम में लिया जाता है अब हेडिंग लगाओ जटिल माध्यम फर्स्ट तो था सरल माध्यम दूसरा है जटिल माध्यम लिखो संवर्धन माध्यम से विशिष्ट लक्षणों की पूर्ति हेतु जटिल माध्यम बनाए जाते हैं जो निम्न हैं फर्स्ट लिखो एक संश्लेषित माध्यम छोटा ही संश्लेषित माध्यम इसमें लिखो इस प्रकार का माध्यम पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है संश्लेषित माध्यम में लिखोगे इस प्रकार का माध्यम पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थों से ही बनाया जाता है रासायनिक पदार्थों से ही बनाया जाता है
इसमें सरल पेप्टोन तथा 1% सोडियम क्लोराइड कोष्ठक में लिख देना जलीय, 1% सोडियम क्लोराइड तथा जल होता है, तथा जल होता है, अब लिखो हेडिंग नंबर 2 नंबर बी संरचित माध्यम, संरचित माध्यम चयनित माध्यम, चयनित माध्यम सिलेक्टिव मीडिया, चयनित माध्यम सी लिख लिया, इसमें लिखो विशेष जाति के जीवाणु, विशेष जाति के जीवाणु के लिए तैयार किया गया माध्यम, विशेष जाति के जीवाणुओं के लिए तैयार किया गया माध्यम चयनित माध्यम कहलाता है। इसके लिए ठोस माध्यम में विशिष्ट पदार्थ, जैसे डेक्सोक्सीकोलेट, डेक्सोक्सीकोलेट इसके लिए ठोस पदार्थ, ठोस माध्यम में विशिष्ट पदार्थ जैसे डेक्सोक्सीकोलेट, डेक्सोक्सीकोलेट साइट्रेट का उपयोग, डेक्सोक्सीकोलेट साइट्रेट इसलिए साइट्रेट का उपयोग पेचिस के, साइट्रेट का उपयोग पेचिस के रोगजनक जीवाणुओं के संवर्धन में किया जाता है, पेचिस के रोगजनक जीवाणु के संवर्धन हेतु किया जाता है।
अन्य जीवाणुओं की वृद्धि ना हो। इसके लिए कुछ अवरोधक पदार्थ अन्य जीवाणु जो इसके अलावा जो जीवाणु थे ना उन जीवाणु पर अन्य जीवाणुओं की वृद्धि न हो इसके लिए इसमें कुछ अवरोधक पदार्थ जिनमें एंटीबायोटिक लक्षण एंटीबायोटिक लवण होता है का उपयोग करते हैं। जैसे संवर्धन माध्यम में क्रिस्टल वॉयलेट मिलाने पर स्टेफिलोकोकस तथा ग्राम ग्राही जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं अब लिखो अवायवी माध्यम जी क्या आ रहा है अवायवी माध्यम दो विभेदक माध्यम और अवायवी माध्यम अवायवी माध्यम इसमें लिखो इस प्रकार का माध्यम अवायवी जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार का माध्यम अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है। रॉबर्टसन ने मांस को गर्म कर सर्वप्रथम अवायवीय माध्यम का विकास किया। अब अगले हेडिंग लो ई विभेदक माध्यम ई बी जी प्रकार लिखे ना हाथ दी के बाद में ई विभेदक माध्यम इसमें लिखो एक समान प्रकार से दिखाई देने वाले जीवाणुओं में विभेदन करने के लिए इस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है।
जैसे आई एम वी आई सी, जैसे आई एम वी आई सी, आई एम वी आई सी परीक्षण द्वारा एक से लगने वाले इक्वलाइन है पॉलीमोर्फा जीवाणु में विभेदन करने के लिए किया जाता है। बहुत है, तैयार।